अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक ये है कि अल्टरनेटर यानी जनरेटर, डेनमो या अल्टरनेटर, किसको किसी भी ज़बान में अलग अलग इसके नाम हैं, तो उसकी वायरिंग डायग्राम के अक्सर उकात लोगों के ये सवाल आते हैं कि यार इस गाड़ी में क्या वायरिंग आ रही है, इस गाड़ी में क्या वायरिंग आ रही है, किस गाड़ी में क्या वायरिंग आ रही है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी अल्टरनेटर की वायरिंग पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फलां गाड़ी में क्या वायरिंग आ रही है फलां में। मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास गाड़ी आ रही है तो आपने क्या चीज़ चेक करनी है अल्टरनेटर के रिलेटेड, और उसके बाद यानी आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में स्कैनर, किसी किस्म का स्कैनर डिवाइस या किसी भी किस्म का कोई प्रोग्रामर चाहिए, गाड़ी के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी स्कैनर, ज़रूरी नहीं है थिंक डैगो, किसी किस्म का स्कैनर आपको पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में आपको ये मिल जाएगा। ये अक्सर उकात ये तीन किस्म की ही ग्रिप्स अमूमन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन खास तौर पे ये चार पिन वाली ग्रिप ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मतलब हर एक गाड़ियों में, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, जापानी गाड़ी है, पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा गाड़ी में यही ग्रिप इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि यानी इसको समझ नहीं आती, हर गाड़ी में अलग अलग इसकी वायरिंग डायग्राम, हर यानी हर गाड़ी के हिसाब से वायरिंग की कुछ पिन आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन तरीकाकार बिल्कुल सिमिलर ही रहता है। तीन ग्रिप वाली भी वही तरीकाकार है, बस इसमें एक ज़्यादा है एक कम है। इसमें दो पिन वाली इसमें भी वही तरीकाकार है। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटर को रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो, उसको तीन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अल्टरनेटर को ऑन करने के लिए तीन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइट, जहां वो आउटपुट देगा जो मीटर के अंदर डैशबोर्ड के अंदर लाइट आती है उसका, उसको सिग्नल इसने आउटपुट देना है। अगर लाइट में मसला हो तो फिर भी गाड़ी नहीं ऑन होती, यानी फिर भी मसला क्लियर नहीं होता, कुछ गाड़ियों के अल्टरनेटर काम ही नहीं करते। ठीक है, एक होगी लाइट, एक होगी बैटरी की, बैटरी प्लस कुछ जगह पे स्विच ऑन की करंट हो सकती है, किसी जगह पे बैटरी प्लस की डायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन वो अमूमन अगर वायर तीन हो तो फिर वो एक ही सिग्नल आता है, चाहे किसी किस्म का आ रहा है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ईसीयू का एक सिग्नल आ रहा होता है, यानी ईसीयू को सिग्नल दिया जाता है। अक्सर को आता है आप OBD2 कनेक्टर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चलता रहता है कि यानी ईसीयू के यानी OBD कनेक्टर के अंदर, यानी आपको मिसाल के तौर पे स्कैनर के अंदर पता चलता है कि आपका स्कैनर अल्टरनेटर कितने वोल्टेज दे रहा है करंट, यानी ठीक है। ये चीज़ चेक करने के लिए इसकी एक सिग्नल की वायर सीधी ईसीयू में जाती है, अगर ये वायर डिसकनेक्ट हो तो फिर ईसीयू को सिग्नल मिलता है, और वो अक्सर उकात जो पुराने मॉडल की गाड़ियां थी उसमें कोई मसला नहीं था आता, लेकिन नए मॉडल में अगर ये सिग्नल की वायर कट हो तो फिर वो अल्टरनेटर की लाइट मीटर के अंदर डिसकनेक्ट शो करता रहता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। बेसिक तौर पे मेरा आज काम है वायरिंग के बारे में ही बात करना, ठीक है। ये होगी चार चीज़ें, यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई भी अल्टरनेटर है ना, एक बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ, कोई भी अल्टरनेटर फॉर एग्जाम्पल ये जनरेटर है, जब उसको आप एक तरफ से ये सिग्नल देंगे, पावर देंगे, ठीक है, एक तरीके से पावर देंगे, तो ये इधर से नेगेटिव यानी अल्टरनेटर नेगेटिव निकालना स्टार्ट कर देगा, यानी उसके अंदर एक फीचर ये है
कि जब भी उसको पॉजिटिव देंगे बॉडी से वो नेगेटिव ले लेता है, तो जब भी उसको पॉजिटिव देंगे, जैसे 5 पिन वाला रिले काम करता है उस हिसाब से ये काम करता है। इसके अंदर एक रिले होता है कटआउट जिसको बोलते हैं, रिले बोला जाता है, लेकिन उसका मतलब तरीकाकार थोड़ा सा चेंज होता है। देसी जबान में बताना चाह रहा हूँ, मैं थ्योरी में नहीं जाऊँगा, देसी जबान में बता रहा हूँ कि उसका तरीकाकार वो होता है कि जब वो आप उसको स्विच ऑन करेंगे उसके अंदर मिसाल के तौर पर सिग्नल चले जाएंगे, मिसाल के तौर पर उसके अंदर पॉजिटिव चला जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो स्विच ऑन का हो, उसके अंदर सिग्नल चला जाएगा, वो क्या करेगा डायरेक्टिव तौर पे नेगेटिव आउटपुट निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसका ये सिग्नल होता है कि फिल वक्त गाड़ी चार्ज नहीं कर रही नेगेटिव। फिर क्या होगा, जब गाड़ी स्टार्ट करेगी इसकी मतलब बेल्ट के साथ इसका वो पुली घूमेगी तो ये चार्ज करना स्टार्ट करेगा, चार्ज करना स्टार्ट करेगा तो इसको वो ऑफ कर देगा। ठीक है, नेगेटिव को ऑफ कर देगा, नेगेटिव को जब ऑफ करेगा अंदर से लाइट खत्म हो जाएगी। ये आपको बेसिक सा फंडा है कि मिसाल के तौर पे जब वो बंद होगी आप उसको करंट देंगे तो वो नेगेटिव आउटपुट निकालना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जब वो करंट पॉजिटिव यानी करंट बाहर निकालेगा तो क्या करेगा, जब वो करंट बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा तो वो नेगेटिव को बंद कर देगा, यानी सिग्नल देना बंद कर देगा, वो बताएगा सिग्नल ऑफ कर, लाइट ऑफ कर देगा। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटर प्रॉपर काम कर रहा है, यानी वार्निंग लाइट ऑफ कर देगा। वार्निंग लाइट का मतलब ये होता है कि गाड़ी का स्विच ऑन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं, उसमें कोई इशू हो सकता है, बेल्ट खराब हो सकता है या किसी किस्म का मसला हो सकता है, लेकिन जब वो चलेगा तो वो आउटपुट यानी वो परफेक्टली होगा तो वो नेगेटिव यानी सिग्नल देना बंद कर देगा, यानी वार्निंग लाइट देना बंद कर देगा, ये उसकी वार्निंग लाइट है। ठीक है, नेगेटिव। और उसके बाद एक जो मेन वायर है वो मैं भूल गया हूँ, ये एक मोटी 10 की हो सकती है, 12 की हो सकती है, 12 नंबर बोल्ट का ये एक मोटी तार होती है जिससे वो डायरेक्ट बैटरी के साथ वो अटैच होती है, लेकिन खैर उसके हम बात नहीं करते क्योंकि वो तो हर बंदे को ही पता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। ये आपके सामने अल्टरनेटर है, ठीक है, अल्टरनेटर है। जब आप गाड़ी को मिसाल के तौर पे ये अगर तो गाड़ी में चार वायरिंग है तो इसमें दो आएंगी पॉजिटिव, वो कैसे आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। ये दो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है, जब आपको पहले मैंने बता दिया कि ये तरीकाकार है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं इसके अंदर पॉजिटिव चला गया, इसने नेगेटिव यानी वार्निंग लाइट शो करती है, ठीक है, ये नेगेटिव चला गया मीटर के अंदर, मीटर के अंदर बल्ब होता है जो सिंपल सा एक फंडा है, फॉर एग्जाम्पल जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए, उसको पॉजिटिव इधर से मिल गया स्विच ऑन, जब जैसे इधर जा रही है इधर भी स्विच ऑन आ गई, इसका लाइट वार्निंग लाइट बल्ब शो हो गया, ठीक है, ये हो गया ऑन, ठीक है। एक इसकी वायर चलेगी ईसीयू के अंदर, ईसीयू में भी सिग्नल चला गया, जब वो स्टार्ट होगा बंद होगा ईसीयू के अंदर सिग्नल चला गया, ये दोहरा एक फंडा बिल्कुल सिंपल सा, जब ये चलेगी जब ये स्टार्ट होगी, सॉरी एक चीज़ फिर माइंड में निकल गया, ये बैटरी से, ये डायरेक्ट एक बैटरी से आ रही है वायर अल्टरनेटर को, जब ये स्टार्ट करेगा इसके अंदर वो आउटपुट निकालेगा वायरिंग, वैसे भी आ रही होती है लेकिन इससे वो बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो ये सिग्नल वो ऑफ कर देगा, यानी ये वार्निंग लाइट ऑफ कर देगा। ये वार्निंग लाइट ऑफ कर देगा, इसका मतलब है कि ये चार्ज कर रहा है, अगर ये वार्निंग लाइट ऑन है तो इसका मतलब है चार्जिंग। आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें अगर
रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैं आगे ग्रिप्स में चला जाता हूँ ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर आपकी गाड़ी में 4 पिन्स हैं तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 4 आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अल्टरनेटर के अंदर 4 वायर वाला ग्रिप है, ठीक है, आपने क्या कोशिश करना है कि सबसे पहले आपने उसमें 2 करंट चेक करनी है, एक स्विच ऑन से आएगी करंट, एक डायरेक्ट आएगी स्विच, यानी एक स्विच ऑन से आएगी एक डायरेक्ट आएगी, यानी आपकी गाड़ी में 2 करंट आ गई। ठीक है, जहाँ भी हो सबसे पहले आपने स्विच ऑन की करंट चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों आपकी कंफर्म हो गई। ठीक है, अब क्या चेक करना है आपने लाइट, क्योंकि ईसीयू का सिग्नल आप नहीं चेक कर सकते, वो मल्टीमीटर के साथ चेक होते हैं, लेकिन वो एक अलग से एक टॉपिक चला जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसको छोड़े। इसको आपने फाइंड करना है लाइट की, लाइट प्रॉपर काम कर रही है, जब आप टेस्टर नेगेटिव पे लगाएंगे इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, जब आपका टेस्टर नेगेटिव पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब स्विच ऑन होगा मीटर के अंदर लाइट शो हो जाएगी। ठीक है, उसका मतलब है वो भी आपने वायर ट्रेस कर लिया, आपकी तीनों वायर ट्रेस हो गई, ये तीनों करेक्ट हैं तो आपकी अल्टरनेटर चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये तीनों करेक्ट हैं, यानी तीनों चीज़ें आ रही हैं, अगर प्लस भी आ रहा है, इग्निशन स्विच भी आ रही है, उसके बाद लाइट भी ओके है, यानी आपने टेस्टर लगाया, यानी टेस्टर के अंदर से अर्थ यानी सप्लाई हो रहा है मीटर के अंदर, तो मीटर में लाइट हो जाएगी ओके ओके, क्योंकि आप जब इसमें टेस्ट लगाएंगे प्लस पे लगा नेगेटिव पे लगा के इस दोनों को चेक करेंगे तो ज़ाहिर आपको तो आइडिया नहीं होगा ना वायरिंग का, तो आपकी गलती से इस वायर पे भी लगेगा टेस्टर, फॉर एग्जाम्पल इस पे लगेगा, जब इस पे लगेगा तो क्या होगा कि आपका टेस्टर भी थोड़ा सा मध्यम सा ग्लो करेगा, बिल्कुल जिससे आप कहते हैं कि कम करंट आ रही है, बिल्कुल मध्यम सा, क्योंकि वो इसलिए जा रहा होता है कि वो टेस्टर के अंदर से सप्लाई गुजर के या मीटर के अंदर से पॉजिटिव आपको शो हो रहा होता है, नेगेटिव नहीं जा रहा, तो इसलिए पॉजिटिव वो बैक आ रहा होता है, जब आप टेस्टर लगाते हैं वो हल्का सा ग्रो करता है टेस्टर, आपको समझ आ जाती है या तो इसमें शॉर्टेज है या कोई चीज़ ऑन हो रही है टेस्टर के अंदर से, तो जब आप लगाएंगे आप मीटर के अंदर चेक कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें आपने चेक करनी है। अब बात करते हैं हम अगर फॉर एग्जांपल यानी हम डायरेक्ट बैटरी की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ ग्रिप्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रिप्स की बात कर रहे हैं, मेन की तो आप ज़रा चेक ही करेंगे ना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें 3 वायर्स आ रही हैं, कुछ गाड़ियों में जैसे होंडा गाड़ियों में क्या होता है कि इसमें ऑप्शन है आनी बैटरी डायरेक्ट, मतलब मिसाल के तौर पे पॉजिटिव है, चाहे वो इग्निशन से होते हुए आए चाहे वो बैटरी से डायरेक्ट आए। होंडा की 2004 मॉडल में यही चीज़ टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है कि ग्रिप्स 4 वायर वाला है लेकिन पिन्स 3 है, ग्रिप्स 4 वायर वाला है लेकिन पिन्स 3 है, उसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्ट जा रहा है यानी बैटरी से डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, आप स्विच से भी लगा सकते हैं, इशू कोई नहीं है। ठीक है, 3 वायर है, आपने चेक करना है स्विच ऑन करके, आप चेक करें कि उसमें पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाहे ग्रिप किसी भी शक्ल की हो, ये हो चाहे ये हो, किसी किस्म की हो। ठीक है, लाइट काम रहेगी, लाइट काम रहेगी, बाकी आपने अग्निशन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अग्निशन और डायरेक्ट किसी गाड़ियों में क्या आता है कि अग्निशन जो है चाबी स्विच की आ रही होती है, ये सॉरी प्लस अग्निशन स्विच की यानी चाबी स्विच की आ रही होती है, किसी जगह पर डायरेक्ट आ रही है, होंडा अक्सर उकाद मॉडल में कुछ मॉडल्स में डायरेक्ट आ रही होती है लेकिन अमूमन ज़्यादा में चाबी स्विच की आ रही होती है। आपने चेक करना है अगर 3 वायर है, एक लाइट की होगी, एक होगी एक इंजन यानी ईसीयू को सिग्नल चला गया, आई होप समझ आ गई आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2 वायर हैं, अगर किसी गाड़ी में ग्रिप में सिर्फ वायर ही 2 हैं, शक्ल यानी पुराने मॉडल्स में 2 वायर आती है, उसमें क्या होगा कि ये सिग्नल की वायर कट जाएगी, सिग्नल की वायर कट जाएगी। अब मैं लाइट के बारे में आप को थोड़ी सी तफसील बताता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा, तफसील बताता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसमें वो कट गई, आपका मेक श्योर हो गया कि वो कट गई, आपका क्या होगा काम स्टार्ट हो गया, यानी आपने स्विच ऑन चेक कर दी और लाइट चेक की, आपको स्विच ऑन हो या डायरेक्ट हो कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन 2 वायर्स में अमूमन स्विच ऑन ही होती है। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गाड़ी में देखते हैं, अगर पुरानी डाले वगैरह में देखते हैं, उसमें एक ही वायर होती है, वो एक वायर ये भी खत्म हो गई,
उसमें क्या हो गया कि ये लाइट हो गई इसको, सिर्फ मीटर की लाइट। एक चीज़ और आपको बता दूँ, अक्सर उकात आप देखते हैं कि मीटर, मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी में लाइट स्विच ऑन के साथ भी यानी वार्निंग लाइट नहीं ऑन हो रही, या अक्सर उकात आप लोगों ने देखा होगा कि अल्टरनेटर के साथ लोगों ने एक छोटा सा मिसाल के तौर पे पार्किंग बल्ब लगा के तो उसको लगा दिया, वो क्यों लगाया, वो भी चीज़ आपको बता दूँ। अक्सर उकात मीटर की वायरिंग में मसला होता है, लाइट यानी मीटर के अंदर प्रॉब्लम होती है या वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, कस्टमर इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते या कुछ मैकेनिक अपना जान छुड़ा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं डेनमो के अंदर यानी जनरेटर के बिल्कुल साथ में ही एक लगा लेते हैं। बात तो वही है कि चाहे आप मीटर के अंदर उसकी ये वाली लाइट लगाएं चाहे उधर लगाएं, लेकिन कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि ये वाली लाइट काम ना करे तो आपका अल्टरनेटर प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, तो इसको भी आपने चेक करना है कि लाइट ऑन हो रही है नहीं हो रही है। अगर आपकी गाड़ी में लाइट का सिग्नल नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है कि टेस्टर की मदद से उसको समझिए कि लाइट बना लें, यानी बल्ब लगा लें, चाहे एक पॉजिटिव लगाएंगे एक उस तार से लगाएंगे तो आपका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं।